नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अतुल पाठक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शो व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के पीछे छिपे हुए गहरे व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश है। ये शो एक ऐसा शो है जिसमें हम शख्सियत की राजनीतिक और उसके व्यक्तिगत जीवन की विशेषताओं को आपके सामने लेकर आते हैं। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति, विशिष्ट शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है गौतम टेटवाल, मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, मध्यप्रदेश में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री, रोजगार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेटवाल जी। धन्यवाद जी। टेटवाल जी, जैसा कि आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एक ऐसे कार्यकर्ता जिसने जमीनी स्तर से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 14 साल की उम्र से आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर काम शुरू किया और ये यात्रा संघ में प्रचारक के रूप में, संघ के अनुषांगिक संगठनों के विभिन्न पदों पर रहते हुए आप भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा से आपके करियर की शुरुआत हुई और आज आप मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पहले आप अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो प्रदेश उपाध्यक्ष, तो वहां जब आप बैठते थे तो आपने सोचा था कि आप विधायक फिर से बनेंगे और तत्काल आपको मंत्री पद का ऑफर मिलेगा और आपको इतना महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा? ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि मैं मंत्री बनूंगा जी। पर मैं जिस दल को बिलोंग करता हूँ, मेरी पार्टी में कार्यकर्ता के काम की कदर होती है और वो कदर मेरी हुई। मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने मेरी योग्यताओं को कुछ समझा होगा, मेरे काम को समझा, उसने मुझे दायित्व मिला, मैं उस दायित्व को खड़ा करने की कोशिश की। टेटवाल जी, जैसा कि हम आपके प्रोफाइल को देख रहे थे तो 14 साल की उम्र में ऐसा बताया गया कि आप स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, तो कैसे आपका संघ से जुड़ाव शुरू हुआ और फिर वो जो यात्रा शुरू हुई आज मुख्य धारा की राजनीति में किसी प्रदेश की सरकार के मंत्री पद तक पहुंचना एक बड़ी बात मानी जाती है, तो इस सबके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरह की यात्रा रही, थोड़ा सा आप बताइए। संघ का प्रभाव तो पूरे परिवार पे था। मेरे स्वर्गीय दादाजी संघ से जुड़े हुए थे, पूज्य पिताजी और मेरे ताऊजी लक्ष्मण जी टेटवाल वो संघ से जुड़े रहे, पूज्य पिताजी भी संघ से जुड़े रहे। और उस काल में स्वदेश अखबार हमारे मुख्य रूप से आता था, मैं स्वदेश अखबार को नियमित पढ़ता था। मेरी समझ धीरे धीरे बनी 1975-77 के बाद जब मीसा लगी और मीसा में मेरे ताऊजी और पिताजी का नाम आया। पिताजी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी और उन्होंने पूरा समय 19 महीने फरारी में काटा और उस फरारी में मैं देखता था कि उस काल में पिताजी घर पर आते नहीं थे और माँ मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाती थी, बड़े किसानों का काम करती थी, जंगल से लकड़ी कंडे बीन के लाती थी। अच्छा। जब मेरे घर का चूल्हा जलता था वो काल में देखता था, पर उसमें मैं देखता था कि चूल्हे में मेरी माँ अक्सर अखबार की रद्दी और कुछ किताबें जलाया करती। समझ तब नहीं थी, तब पता लगा कि मीसा के काल में कोई कानून नहीं था और उस काल में आपातकाल में अगर किसी के घर में स्वदेश अखबार की कृतियां या राष्ट्रधर्म की पुस्तक मिल जाती थी तो उसको जेल में डाल देते थे। मेरी माँ चाय, जब चाय बनती थी सुबह की तो वो अखबारों से बनती थी और ज्यादातर उन अखबारों की रद्दी को गला करके और डलिया और टोपली बनाती थी। तो वो काल देखा है और उस काल से चलते आया तो संघ का परिवार शुरू से रहा, संघ को समझा और उसके बाद में लगातार संघ का काम करते रहे। 19 वर्ष की आयु में मैं शाखा मुख्य शिक्षक बन गया था और उसके बाद कार्य हुआ और साथ में फिर मेरा शिक्षा वर्ग हुआ। स्वर्गीय भगवत सिंह जी माथुर मेरे जीवन में एक प्रमुख भूमिका लेकर के आए। माखन सिंह जी चौहान, शरद मल्होत्रा जी हमारे क्षेत्र में चालक थे, भाव साहब भोसपुरे जी, वो उनके उनको मैं आदर्श मानता हूँ कि उनके साथ काम किया। प्रभु जी सरस्वती संचालक, बाला साहब देवरत जी प्रति संचालक, वो आदर्श थे। संघ शिक्षा वर्ग में लगातार काम करता रहा, जो दायित्व मिला उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। नहीं देखिए, संघ से जुड़ना
संघ के अनुषांगिक संगठनों के लिए काम करना और फिर मुख्य धारा की राजनीति, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि संघ की कार्यशैली अलग है। संघ भले ही एक बैकअप प्रदान करने वाली संस्था है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसकी कार्यशैली बिल्कुल अलग हो जाती है। सीधे सीधे राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के प्रति विचारधारा। और अब जब राजनीति में आप आए हैं तो यहाँ पर तो साम दाम दंड भेद सब चलता है, तो संघ का स्वयं सेवक इस मुख्य धारा की राजनीति में अपने आप को फिट पाता है और आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं? मैंने तो संघ को जिया है और संघ को समझा भी, संघ का कार्य करना और संघ को समझना दोनों वही अलग अलग बातें, पर संघ को समझा और जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये मेरा आदर्श है। और ये भी वरिष्ठ पदों पर पूछे, आज हमारे सम्मानित यशस्वी प्रधानमंत्री जी संघ के उपचालक, संघ के सुरक्षक हैं मेरे सम्मान भले भाई साहब, मैंने उनके साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित मोहन जी यादव जी भी संघ के स्वयंसेवक रहे, उनके साथ काम किया, तो हम सब पर संघ के विचारों का बड़ा प्रभाव रहा और विशेषकर प्रभाव रहा हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति के वर्तमान सदस्य पूर्व सरकार व सुरेश जी सोनी साहब का जो राजगढ़ जिले में रहे और मेरे संघ की शिक्षा वर्ग में मेरे शिक्षक भी रहे, चर्चा के प्रमुख रहे, उनने जो सिखाया वो सब जीवन भर करूंगा और उस आदर्श पर चलूंगा। ऐसा कोई आवश्यक नहीं राजनीति की रपटीली राह में उतार चढ़ाव में डिगे रहना और टिके रहना उसकी कोशिश करूंगा। तो राजनीति में डिगे रहने और टिके रहने के लिए आपने राजनीति की जो बारीकियां हैं, जो चालाकियां हैं, कहीं उनका इस्तेमाल किया या इसी तरह सहजता से आपकी राजनीति चल रही है? अपन जब अच्छे मन से, अच्छे आत्मविश्वास से और ईमानदारी निष्ठा से काम करते हैं तो वो चालाकियां वो सहजी अपने जीवन में आके निकल जाती है। छल छिद्र की राजनीति पर मैं विश्वास नहीं करता, ईमानदारी निष्ठा की राजनीति पर और विचारधारा जो दिया पार्टी ने जो काम दिया उस काम को पूरी निष्ठा के साथ करने सोचता भी हूँ, उस पर खराब करने की सोचता हूँ अपना वरिष्ठ नेतृत्व जो काम करता हूँ करता हूँ। नहीं, पर आपने अभी जैसा शुरुआत में बताया पारिवारिक परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं रही, फेवरेबल नहीं रही, और ऐसी परिस्थितियों में एक व्यक्ति का चुनाव लड़ना जो कि लगातार खर्चीला होता चला जा रहा है, कहते हैं कि एक छोटा सा चुनाव भी करोड़ों का पड़ता है, तो इस तरह की चुनावी राजनीति के बीच में एक साधारण परिवार का व्यक्ति कैसे फाइट कर पाता है, कहाँ से फंडिंग आती, कैसे आप मैनेज करते हैं चुनाव? आप समझते से चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है और मेरे जैसे छोटे से परिवार के कार्यकर्ताओं का बहुत आसपास के मेरे मित्रों का कार्यकर्ताओं का स्नेह मिला, संगठन का स्नेह मिला और संगठन ने चिंता सब संगठन ने की, मैंने कभी चिंता नहीं की, सारी आर्थिक चिंता है, चुनाव लड़ने की चिंता है, वो पूरा संगठन मेरी चिंता करता रहा, मेरा वरिष्ठ नेता कुछ चिंता करता रहा, बस मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा, ईमानदारी से उनके साथ रहा और हर चीज में शेयर करता हूँ, मेरे वरिष्ठ नेतृत्व से शेयर करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से सब चीजें शेयर करता हूँ, पार्टी के सेंट्रल मंत्री जी से शेयर करता हूँ, बीडी भाई साहब से सब शेयर करता हूँ, हमारे सम्मानीय वर्तमान सेंट्रल मंत्री हितानंद जी से भी सब बात शेयर करता। कभी ऐसी स्थिति बनी जब चुनाव के लिए टिकट दिया और आपके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि एक तरफ टिकट है, फाइट करना है, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां इजाजत नहीं देती फाइट की, तो कभी लगा कि नहीं टिकट वापस कर देना चाहिए? हम सब कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं, जो लोग लगातार 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं वो कार्यकर्ताओं का उत्साह था, कभी मन में विचार आया भी पीछे के कार्यकर्ता जो खड़े थे पीछे मत हटे, हम सब है ना, ऐसा हम लगाएंगे। हाँ। और वो उस सब कार्यकर्ताओं ने किया, मैं पहला चुनाव 2008 में जब मैंने लड़ा मुझे टिकट मिला, सुबह से शाम तक मैं देखता था कि जब मैं काम करता था सुबह से तक ऐसी परिस्थिति बनती थी कि मैं जब घर से 8:30 बजे नहा धो के निकलता, हम सब कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में निकलते थे तो जिस गांव में पहले गांव में जाता था बहने मंगल कलश के सामने खड़ी गांव के पटेल पार्टी के कार्यकर्ता मुझे तिलक करते थे और साथ में 101 रुपया 1000 रुपया 501 रुपया मुझे देते थे, मैं अपने ऊपर की जिम में रखते थे, शाम को सब हिसाब करता इकट्ठा करके और वो सारी राशि इकट्ठी करके पेट्रोल पंप वाले को समर्पित कर देता था। तो वो सब रात को 12:30 बजे 1 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक पत्रिक शाम बैठता और उसमें लिखता था,
अतुल जी पाठक के घर पे गए वोट मांगने के लिए, माताजी ने तिलक करा, साथ में एक स्लीपर दिया और 1,000 रुपए। 5 साल तक वही सब कर्ज जो मुझे मेरे ऊपर दिया था उस सबको उतारने में लगा। उसी का परिणाम मेरी पूरी पिक्चर को लोग पढ़ ले, मेरे बच्चों को पढ़ ले। मैं हमेशा बोलता था कि मेरे परिवार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं। मेरा छोटा भाई आज भी मजदूरी करता है, आज भी वो रिपेयरिंग का काम करता है। तो हम जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े हैं, और ऐसे हजारों लोग मेरी पार्टी जिनने इस विचारधारा को बनाया, इस पार्टी को बनाया, उन सब कार्यकर्ताओं का मेहनत पसीने का रंग है जो गौतम जीतवाल में दिखाई देगा। मैं अकेला स्वयं कुछ भी नहीं, मेरी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का खून पसीना बहा, उन सब कार्यकर्ताओं की आस्था और विश्वास का मैं प्रतीक हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर आप देखिएगा, जांच कराया मैं तो बोलता हूँ, देखिए मेरे प्रति कितना लोगों का इसलिए कितना प्यार। पहले चुनाव मुझे अल्पसंख्यक भाइयों के वोट मिले, इस चुनाव में परिस्थितियां जो भी हुई तो इस लोगों का प्यार बटोरने के लिए लोगों के दिलों में राज करना। लेकिन काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक तो लगी जाती है। तो राजनीति में आए हैं, मन मौका भी है, दस्तूर भी है, तो अब तो मन होता होगा कि जो जितने गड्ढे हैं वो सब भर लिए जाए। मैं ऐसा मानता हूँ, कभी ने कहा साहित्य दीजिए जहाँ में कुटी सभा है, अब मैं भी भूखा नहीं रहूं और अतिथि भी भूखा नहीं जाए, अच्छा इससे अलग क्या करेंगे। मैंने वो सब देखा है, मैंने आपको बताया भी था, मैंने वो सब देखा है उत्तराखंड में, मैंने उसको महसूस किया। हाँ, ये एक बड़ी बात कही कि एक समय आपकी जिंदगी में ऐसा आया जब बहुत कठिन परिस्थितियां थी, उत्तराखंड में जो आपदा आई उस वक्त आप परिवार के साथ वहां मौजूद थे और बड़े दुखद घटनाक्रम आपके साथ था, तो वो पूरा घटनाक्रम क्या रहा और उसने आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डाला? उत्तराखंड की आपदा 2013 की आपदा को मैंने साथ में देखा और सहा, और मैं जान की चट्टी में फंसा हुआ था, माँ यमुना जी के किनारे, और हम लोग दर्शन करके 16 जून को वापस आए थे। लगभग उस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में 1,000-1,500 लोग तीर्थ यात्री थे। बस जब वापस आए तो मेरे पिताजी और पूरा परिवार साथ में था, मेरा एक बेटा था, परिवार की कुछ बहनें थी, बड़ी बहन थी मेरी, ऐसे करके हम 13 सदस्य थे। पिताजी घोड़े पर बैठ के आए थे और पिताजी को कि ब्लड प्रेशर बड़ा होगा, और सुबह हम 5 बजे निकले थे, 12-1 बजे धन दर्शन करके आए। मैं पैदल गया था, मैंने 1 घंटे में पीछे था पिताजी, मैंने देखा और वो जिस धर्मशाला में हम रुके थे वहाँ रजी और सो रहे थे, मैंने उनकी रजाई हटाई कि पापा भोजन कर लो, पिताजी भोजन कर लीजिए, देखा तो शरीर छोड़ चुके थे। उसके बाद मैंने देखा कि सर्दी खूब थी, भरी बरसात में हम लोग गए थे, तब पहाड़ गिरने लगे थे, आसपास के पहाड़ गिर गए थे, रास्ते सब बंद हो गए थे। तो उस त्रासदी को देखा, उसके बाद हम लोग 7 दिन तक वहाँ फंसे रहे। मैंने 48 घंटे में के बाद पिताजी का अंतिम संस्कार किया, आसपास से लकड़ी इकट्ठा की। मैं सेवा में कई जगह सेवा कार्य करता रहता हूँ, मैंने लगभग अपने गांव और अपने गांव के आसपास 300 चिताओं को अग्नि संस्कार किया है। करोना में भी मैं डरा नहीं, करोना में भी मुझे मैंने कई पॉजिटिव का अग्नि संस्कार किया। तो मैंने पिताजी का अग्नि संस्कार करने के बाद में फिर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, शिवराज सिंह जी चौहान और थावर सिंह जी गहलोत जो मेरे नेता, उनके लगातार फोन आते रहे, यहाँ से फिर टीवी पर बात गई कि मैं फंसा हूँ, तब वो मार्गदर्शन करते रहे। मैं लगभग 7-8 दिन तक वहाँ फंसा रहा, और वहाँ जो लोग फंसे थे उनका मनोबल बढ़ाने का काम पिताजी के अस्थि विसर्जन के बाद फिर ये काम सब करते, जितने लोग थे उसमें हमारे चुरट के लगभग 125 लोग थे, उज्जैन के 10-15 कार्यकर्ता थे, इंदौर के थे, और जो त्रासदी हुई थी उसमें पिताजी की हुई थी उस क्षेत्र में उस जगह की। वहाँ से हम लगभग 35 किलोमीटर पैदल हमने यात्रा की, और 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा में मैंने बार बार यमराज से साक्षात्कार हुआ, और हम सब लोग पहला जत्था में जत्था मैं लगभग 150 लोगों को लेके गया था, 150 ही जीवित वापस आए थे देहरादून तक। तो ये बड़ी उपलब्धि, और वहाँ मृत्यु से यमराज से बार बार साक्षात्कार साक्षात्कार, तभी वैराग्य आने लगा था कि ये सब
यश कीर्ति धन संपदा सब बेकार है, ईश्वर सबसे बड़ा है और वो ईश्वर साक्षी देता है, ईश्वर मदद करता है। मेरे बड़ों ने भी खूब मदद की, मेरा मेरे लिए प्रार्थना करते थे लगातार, हमारा पूरा परिवार है उसके लिए। मैं मेरे वरिष्ठों को, मेरे दल को, मैं जिस संस्था का स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, साथ के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और मेरे सभी वरिष्ठों को कि उन्होंने मेरा मनोबल बनाए रखा, उसके कारण मैं आज जीवित आपके सामने साक्षात्कार कर रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उसमें एकात्म मानववाद था, अंत्योदय की बात थी। आप अनुसूचित जाति मोर्चे में रहे, ये वर्ग वो वर्ग है जो शोषित पीड़ित वंचित माना जाता रहा, तो इतने साल हो गए कांग्रेस की सरकारें भी रही, 20 साल तो आपकी सरकार भी हो गई, लेकिन अभी भी जो घटनाएं सामने आती हैं कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी ये वर्ग उस स्थिति में नहीं पहुंचा जिसको वहां तक पहुंच जाना था। आजादी के इतने साल बाद भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम उस स्थिति में ला देती कि कहीं कोई अन्याय या किसी तरह की उपेक्षा की खबरें अब नहीं आती। देखो परिवर्तन संसार का नहीं, बदलाव आ रहा है। 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बदलाव आ रहा है। 9 लाख से 11 लाख का हमने आवास बना के दिए लोगों को, और मैं शोषित पीड़ित वंचित समाज की बात नहीं कर रहा, अनुसूचित जाति की बात नहीं कर रहा, जो गरीब है वो सामान्य वर्ग का भी गरीब है, उसको भी आशियाना देने का काम हमने किया है, विशेषकर शौचालय देने का हमने काम किया, आयुष्मान कार्ड से उसको इलाज कराने का काम किया। इस वर्ग की बस्तियों में भी अगर आप देखो पाठक साहब जाकर के, तो आज कंक्रीट की सड़कें हमारे मजरे और टोलों में हमारी बस्तियों में है। आज हमारी बस्तियों मेरे राजगढ़ जिले में जैसे ही आप हाथ हिलाएंगे, नल चलाएंगे और शुद्ध जो आपकी बॉटल का 12-20 रुपए का पानी मिलता है, शुद्ध पानी पिलाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। परिवर्तन तो आया, बदलाव तो आया, और बदलाव आप देखो ना, जितने स्वर्ण पदक लेके आया उसमें से 20% स्वर्ण पदक लाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के भाई भी, उनका नाम ऊपर नहीं आता, 92-80% मार्क्स लेके आने वाले उस वर्ग के गरीब तबके के लोग भी हैं, जो पहले लोग कहते थे कि भाई गरीब लोग बिजली के खंभे के नीचे पढ़ते थे, आज वो गरीब लोग अटल ज्योति के नीचे पढ़ते हैं। पर उन बच्चियों को भी देखो तो IAS IPS के एग्जाम में आप देखें तो लगता है, आज मैं सेज यूनिवर्सिटी में गया था, एक बच्चे को पुरस्कार पुरस्कृत कर रहा था, मैंने उससे नाम पूछा तो लगा उसके कपड़ों से देख के मुझे लगा कि ये अंतिम वर्ग का होगा, और वो टॉपर था लड़का। मेरा दिल प्रसन्न हो गया कि ऐसे लोग भी हैं जिनको देखता हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता। मैं अभी IIT कॉलेज गया था जबलपुर, वहाँ एक आदिवासी बेटी को मैंने मोटर पंप को चालू करते देखा, मोटर इंजन सीख रही थी चलाना, तो मैंने उससे पूछा बेटा है तुम क्या करोगी इसको सीख के, उन्होंने जब डिटेल पता लगा तो उसकी 4 बीघा जमीन थी, उसने कहा कि मैं ऑटो पार्ट्स की वर्कशॉप चालू करने वाली हूँ, मैं आगे रखे ये काम करूंगी। वो आदिवासी बेटी थी गोल समाज की, मेरा मन गदगद हो गया कि देखो मेरा समाज और मेरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मैं धन्यवाद देता हूँ सम्मान प्रधानमंत्री जी को कि मुझे कौशल विकास का काम दिया है, और उन समाज के लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम उनको प्रशिक्षण देकर के और उनके हाथों में काम देकर के रोजगार मुख बनाने का और रोजगार देने का काम 18 प्रकार के अलग अलग क्षेत्र में हम प्रशिक्षण देने वाले 18 प्रकार, उसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई मेहंदी लगाना कटिंग करना ब्यूटी पार्लर चलाना कपड़े का काम करना और इसके अलावा मछली के जाल बनाना नाव बनाना लकड़ी का काम करना वेल्डिंग का काम करना ये सब प्रशिक्षण खिलौने बनाना मिट्टी के बटके बनाना खिलौने बनाना जो अपन मेले और ठेले में जब देखते हैं कि शोभाकारी को बनाना बंदरवाल बनाना गेट के पर्दों के ऊपर नीचे घुंघरू लगा के वो काम करना वो बनाना गमले बनाना वृक्षारोपण का काम ये सब तो हम सिखा ही रहे, और इस सबसे मेरा भारत मेरा युवा मेरा अंतिम व्यक्ति का समाज आत्मनिर्भर बनेगा। ये सब काम हम कर रहे हैं, उसकी संख्या भी मैं बताने वाला हूँ। हम बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, ये
ये सब हम करने वाले, मेरे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी इसी सीखो कमाओ योजना में हम प्रशिक्षण देंगे। ये विश्वकर्मा योजना में हम लगभग 24 घंटे का 40 घंटे का प्रशिक्षण देंगे, साथ में 15,000 रुपए का टूल उसको दिलाएंगे। वो जो बहने ब्यूटी पार्लर चला रही है उसकी दुकान चालू करे, और 1,00,000 रुपए उसको लोन देने वाले, उस 1,00,000 के लोन से वो अपनी ब्यूटी या अपनी दुकान घर पे चलाए और वो काम करे। मेहंदी कढ़ाई का काम होता है, आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में जब विवाह होता है तो दुल्हन जब ब्यूटी पार्लर जाती है तो 5,000 से 10,000 रुपए ले लेते हैं उससे, या 20,000 रुपए भी ले लेते हैं। मेहंदी लगाने के बाद लड़की आती तो 1,000 रुपए लेती। गांव में भी ये सब चलन चल गया है, गांव में भी हम ब्यूटी पार्लर का काम सिखाएंगे। और वो गांव की मेरी बहन अब वो जब ये सब काम करेगी ब्यूटी पार्लर का, और वो 2,000 रुपए मजदूरी लेगी पर डे, अगर 3 बहनों को भी उसने ठीक ठाक कर दिया तो 6,000 रुपए आएंगे, आपसे मेरी बहन भी बनेगी। हम तो इसके बाद मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, हम ड्रोन दीदी वाला काम भी, ड्रोन बनाने का काम भी प्रारंभ करेंगे, जिससे कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े हम। इसके साथ में मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब वो शिक्षा मंत्री थे तो मेरे जिले में कॉलेज में आके उन्होंने कहा था कि एजुकेशन में हम परिवर्तन करने वाले, मैं उसका भी प्रशिक्षण चालू करूंगा। मेरे इसी हिसाब से मेरी बात हुई, मेरा छात्र सीरीज लगाना, थर्मामीटर पढ़ना, सीरीज लगाना, थर्मामीटर फलना, मेडिकल पे भी काम सीखे, और वो छोटे मोटे मेडिकल के काम, दवाई लगाना, इंजेक्शन लगाना, वाटर चलाना, ये सब सीखे, तो मेडिकल लाइन में भी हम प्रशिक्षण देंगे। जो जैसा जिस योग्य उसको देंगे। आप कभी GSP आके देखिएगा, देश का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा तो पार्क बनने जा रहा है, और गुरु सदगुरु श्री गुरुदेव रविदास जी के नाम से बन रहा, आप देखेंगे पता लगेगा कि आपके भोपाल में क्या करने नहीं, पर स्किल डेवलपमेंट निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है, और स्किल डेवलपमेंट के दिशा में काम हुआ भी है और हो रहा है, आपकी मंशा भी दिखाई देती है। स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार के अवसर सृजित होना बहुत बड़ी बात है, और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, यूपी में BJP की हार का एक बड़ा कारण ये है कि लोगों में सरकारी नौकरी पाने का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो स्वरोजगार, स्किल डेवलपमेंट और सरकारी नौकरी पाने की इच्छा, इसमें कहीं कोई तालमेल नहीं दिखता, लोग तो अभी भी सरकारी नौकरी चाहते हैं। नहीं, हमें ये देश के युवाओं में ये भाव जगाना पड़ेगा, देश के युवाओं को ये बताना पड़ेगा। पहले हम कहते थे कि भारत गांव में बसता है, कृषि प्रधान देश, मैं मानता हूँ कि भारत उद्योग प्रधान देश था। भारत के गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के परिवार में 10 लोग पढ़ते थे, लोहे का काम करने वाले लोहार के परिवार में 10 लोग बोलते थे, वो हल बखर का काम तो करते था, दराते बनाने का काम करता था, बाकी लोहे के सब काम, खिड़की दरवाजे भी के बनाने के काम करता था, उसका पूरा परिवार उसमें लगता था, वो पूरा परिवार अच्छा भरा भूसा अच्छा रहता था। ऐसे ही अगर अपन और नीचे जाते हैं तो एक हमारा दाढ़ी कटिंग बनाने वाला जो हमारा वारवर भाई है, जो हमारा नए समाज का भाई है, सेन समाज का भाई है, उसका 15 साल का बेटा, 14 साल का बेटा वो उसको उस तरह दे देता था, गाड़ी बनाने के काम करता था, उसका 20 साल का बेटा भी करता था, 35 साल का पिता भी करता था, 60 साल का भी, सब रोजगार से लगे हुए थे और सब बड़े खुश और प्रसन्न थे। मिट्टी बनाने वाले मिट्टी का काम देख लो अलग अलग, अगर छत्तीसगढ़ में जाके देखे तो वहाँ पीतल का काम होता था। तो जो हमारी कला है वो कला धीरे धीरे समाप्त होती जा रही, उस कला को वापस लाके और गांव को आत्मनिर्भर बनाने का हमें काम करना पड़ेगा। जाके मैं भी एक बार रघुशरण माथुर जी के साथ गुजरात गया था भावनगर, भावनगर में वो पाठक जी हीरे तलाशने का काम होता था छोटे से गांव, तो वहाँ पूरा का पूरा गांव लगा हुआ। मेरे यहाँ हथकरघा का काम सबसे अच्छा था, मेरे यहाँ के साफे, मेरे यहाँ की पगड़ी, लोग ऐसा कहते थे कि मार्क्सिस्ट की बेटी में बंद कर देते थे टावल, वो तो पगड़ी की बोलते थे, मैं कहता टावल इतना बारीक बनता था कि मार्क्सिस्ट की बेटी में बंद कर देते। तो वो कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही, उस कला को वापस जीवित करने का अवसर है। वो गाँव का व्यक्ति गाँव में काम करेगा, सब हलवे का बेटा हलवे बने तो क्या दिक्कत है, वो अच्छी चीज बनाएगा। हम भूल गए बालू से क्या होती थी, हम भूल गए बूंदी क्या होती थी, हम भूल गए मोहनभोग क्या है, हम राजभोग क्या है। आजकल तो जो डिश बन रही बंगाली डिश बनती शादी ब्याह में, एक शादी हम फिजूल खर्ची में, और वो गांव में आना पड़ेगा। हम गांव पर आज भी लगता है
शादी ब्याह में कहीं जाते हैं, अगर रायता पीने को मिल जाता वो देसी रायता तो लोगों को लगता है कि दो कटोरी वो ले जाए। नहीं नहीं, ये तो आपने सही कहा। अब मूल बात यह है कि तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विभाग की आपने बात कही, तकनीकी शिक्षा विभाग ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग, और पहले कई मामलों में ये विभाग बदनाम भी हुआ, सवाल भी खड़े हुए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। तो इस विभाग में आपके आने के बाद क्या नवाचार हुए और आगे क्या योजना है तकनीकी शिक्षा विभाग? हम ये ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से जो जिस योग्य है उसको उसकी योग्यता की उससे उसका वहां चयन हुआ, और लगभग 3,000 हमारी वाइज और 3,000 गर्ल्स की सीटें, अभी हम 700 सीटें भर रहे हैं। इसके पहले 150 सीटें थी जो उद्घाटन हुई, और उसमें हम, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी वाली वो मशीन है सिंगापुर के सहयोग से हम बनाने वाले, वो मशीन आई, हम सुई से लेकर वंदे भारत के पार्ट तक बनाने का काम करने वाले हैं, और हमारा जो जिस क्षेत्र में युवा सीखना चाहेगा उस क्षेत्र में उस सुविधा में हम उसको सीखेंगे। ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में जितनी मोटर हैं, जितने मोटर इंजन है, उन सब मोटर इंजन को बनाने का काम, सिखाने का काम हमारा, हम सब करने वाले, अलग अलग विभागों के अलग अलग ब्रांच से हम उसमें जल्दी से प्रारंभ करने वाले हैं। और उससे जो लड़का निकल के जाएगा, जो RTI करा हुआ, जो पॉलिटेक्निक करा हुआ, अलग से प्रशिक्षण लेके जब 4 महीने 6 महीने का प्रशिक्षण लेगा, जो खुद का अपना व्यवसाय करेगा या जिन कंपनियों में जाएगा उन कंपनियों को भी में भी सफल होगा, स्वयं का व्यवसाय भी, स्वयं का रोजगार भी चला के सफल होगा, ये सब हम काम। नहीं, आप टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, कॉलेजेस की संख्या भी बहुत है, लेकिन जब देखते हैं रोजगार की बात तो उनको कहीं पुणे जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में कब इस तरह के हब बनेंगे, इस तरह के? उसकी मैं आपसे बोल रहा हूँ, उसकी अब शुरुआत हो चुकी है। हम हर, देखो आपको, हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर जिला मुख्यालय पर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज हम इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ करेंगे। हम उस क्षेत्र की आवश्यकता के हिसाब से हम ऐसी इंडस्ट्री चालू करेंगे जो वहाँ की आवश्यकता होगी, उसकी आवश्यकता के हिसाब से। अगर सोयाबीन ज्यादा पैदा होता है तो ऑयल प्लांट होना चाहिए, मूंगफली ज्यादा पैदा होती है मूंगफली प्लांट होना चाहिए, कपास ज्यादा पैदा होता है कपास प्लांट होना चाहिए, वहाँ जो चीज सरसों पैदा होती है तो सरसों की प्लांट वहाँ होना चाहिए। जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के हिसाब से, उस क्षेत्र से जो मिलेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। उसका विकास भी ऐसा होगा, वही कौशल विकास, इसी का नाम कौशल विकास। जिस हुनर को वो सीखना चाहता है, जिस क्षेत्र में युवा जाना चाहता है, वो हम सिखाने का काम। जी गौतम जी, आखिरी सवाल आपसे, मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि के तौर पर इस सरकार को भरपूर आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को भारी बहुमत से जनता ने विधानसभा में पहुंचाया, और अब 29 की 29 लोकसभा सीटें आपको दे दी, यानी जनता ने अपने समर्पण, प्रेम और आपके प्रति आशीर्वाद में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये पूरी सरकार किस तरह से पिछली सरकारों से डिफरेंट साबित होगी, और जो अपेक्षाएं उम्मीदें जनता की हैं उनको आप कम समय में जल्द से जल्द पूरा करके दिखाएंगे, और 1-2 महीने 3 महीने में सरकार दिखाई देगी, उसका असर दिखाई देगा हर सेक्टर में, ऐसी कोई प्लान, ऐसी कोई योजना आपको दिखाई देती है? देखिए अभी तो 5-3 महीने तो आचार संहिता में चलेंगे, 3 महीने अभी सीखने को। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो पंख फड़फड़ा है, उड़ान अभी बाकी है। मोहन जी बहुत विद्वान, हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, और उनके नेतृत्व में, सम्मानित मोहन यादव जी के नेतृत्व में, ये प्रदेश बहुत उन्नति करने वाला है, हर क्षेत्र में उन्नति करेगा, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। मोहन जी का बड़ा विस्तृत सोच है, हम जब उनके पास में बैठते तो छोटी छोटी बातें करके हमें बड़े अच्छे एंगल से समझाते हैं, तो उनके नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, हमारे सारे सभी विधायक उनके नेतृत्व में, प्रदेश का संगठन उनके नेतृत्व में काम करेगा, और मध्य प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाएंगे। जो आपने कहा कि 29 की 29 सीटें प्रचंड बहुमतों से जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम उस जनता के आशीर्वाद पर 24 कैरेट सोने की तरह खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। और मैं पाठक जी, मेरे आप बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको और आपके चैनल को
बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टेटवाल जी ने, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी, सरकार की प्राथमिकताएं बताई, उनके स्वयं के जीवन के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताई जो दूसरे राजनेताओं के लिए प्रेरणादायी साबित हो सकती हैं। ऐसे ही राजनीति में आप आगे बढ़ते रहें, शासन के माध्यम से, मंत्री के माध्यम से, मंत्री पद और विभाग के माध्यम से जनता को आप, जनता के उम्मीदों और आशाओं का अच्छा प्रतिसाद दें, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। फेस बियॉन्ड फेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।